What's up guys, my name is फॉर गाइज। अगर मैं स्लाइड पे जाऊं, ओके, तो यहां पर देखिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा node.js, ओके। तो मैं आता हूँ क्रोम पे, और ये जो गाइज इसका लिंक जो है इस पेज का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहां से आपने चूज करना है लॉन्ग टर्म सपोर्ट को, ओके, आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद गाइज इसको आपने, जैसे कि सिंपल हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सेम टू सेम, वैसे ही आपने नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, ओके। एंड देन गाइज आपने आना है इस पेज पे, इसका लिंक भी गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इंस्टॉल करना है VS कोड को, ओके। ये एक एडिटर है हमारे पास जो हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको यूज़ करेंगे, तो आप इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये भी वैसे ही सिंपल वे में इंस्टॉल होगा जैसे कि हम दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। तो ये दोनों इंस्टॉल होके, ओके गाइज, वो अगर नोड इंस्टॉल हो जाता है तो आपने आना है अपने CMD कमांड पे, ठीक है। तो CMD पे आके यहाँ पर आपने चेक करना है node-v, मीन के नोड का वर्जन, ठीक है, मीन के 10.15.1, ओके, जो कि अभी चल रहा है 10.16.3, ओके। तो मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ था, ओके। तो यहाँ पर देखें गाइज, इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ, अब आपने इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए गाइज यहाँ पर आपने यूज़ करना है टाइपस्क्रिप्ट को, नोड पैकेज मैनेजर, ओके, इंस्टॉल कर दो हाइफन ग्लोबली, यानी जी फॉर ग्लोबल, ओके, टाइपस्क्रिप्ट। तो लेटेस्ट वर्जन जो होगा टाइपस्क्रिप्ट का वो इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये है हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर, मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, ओके। तो ये अभी इंस्टॉल हो गया है, ओके। तो अब नेक्स्ट जो है हम चेक करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट जो कंपाइलर, मीन कि ये अब चेक करते हैं इसका वर्जन क्या है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर -v, ओके, तो 3.6.2, ओके, जो लेटेस्ट वर्जन क्या है इसका 3.6.2, ओके। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, अगर चेक करना है तो ये कमांड यूज़ होगी, टाइपस्क्रिप्ट TSC कंपाइलर इसका वर्जन, ठीक है, ओके। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ, तो गाइस ये हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अब मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो मैं जाता हूँ अपने डी ड्राइव में, ओके। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ओके, मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पर लिखता हूँ, पर हम दे देते हैं TS के नेम से, गाइस मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ओके। अगर मैं CD, ओके, CD TS में जाऊँ, तो अगर मैं आपको डायरेक्टरी दिखाऊँ यहाँ पर, तो कौन कौन से, ओके, मैं अभी तो उसमें हूँ, ओके, CD। तो यहाँ पर आपको अगर डी के अंदर डायरेक्टरी दिखाऊं तो जो क्रिएट हुई है हमारे पास, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर TS के नेम से गाइस हमारी जो एक डायरेक्टरी में, इनके एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है, ओके। तो अब इस डायरेक्टरी में मैंने आना है, ठीक है, CD TS, ओके। तो अभी के लिए अगर मैं डायरेक्टरी को ओपन करूँ तो उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, मीन कोई फाइल्स कुछ भी नहीं है, 0 फाइल्स है, ठीक है, ओके। तो अब गाइस यहाँ पर देखें, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर मैं एक जो है फ़ाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो या तो मैं इस फोल्डर में जाके मैं फाइल यानी कि क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं यहीं से क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर टाइप नल, ओके, तो index.html के नेम से करता हूँ एक। अगर डायरेक्टरी चेक करूँ तो देखें इंडेक्स फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, ओके। और एक जो फ़ाइल होगी हमारी गाइस, वो हम यूज़ करेंगे टाइप नल, ओके, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ हेलो TS के नेम से, ओके, हेलो TS जो है एक्सटेंशन जो है वो टाइपस्क्रिप्ट की है, ओके, TS। तो अगर मैं डायरेक्टरी चेक करूँ तो देखिए हमारे पास दोनों फाइल जो हमें क्रिएट हो चुकी हैं, ओके। तो गाइस अब अभी के लिए सबलाइम यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, ओपन इन फोल्डर, ठीक है। तो अगर मैं फोल्डर पर जाऊँ और राव बिलाल, ठीक है, ये डी हमारा जो फोल्डर है, तो ये है TS, तो TS पे इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा, सेलेक्ट फोल्डर, ओके। तो गाइस देखें ये सारी फाइल्स हमने CMD से क्रिएट की हैं, ओके। तो ये हमारा फोल्डर हेलो TS, ठीक है, हेलो TS पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन आपको शो हो रही है टाइपस्क्रिप्ट, ओके। अगर इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर शो हो रही है HTML, ओके। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं HTML को स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर लूँ, ओके, स्क्रिप्ट SRC सोर्स और हेलो .js, TS नहीं JS, क्योंकि हमने तो अभी फाइल जो क्रिएट किया है TS का, लेकिन गाइस जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो हमारा JS फाइल आ जाएगा, ओके।
तो मैंने इसलिए यहाँ पर JS का फाइल एडअप कर दिया। ओके तो अब देखें गाइज, यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट, ओके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके यहाँ पर हम कोई मैसेज लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ओके ओके हाउ आर यू, ओके सेमी कॉलन सेव, ठीक है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो गाइज अब हमने करना है इसको कंपाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर गाइज आपने इस फाइल को लिखना है, यहाँ पर लिखना टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है, हेलो डॉट टी एस को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मीन के ये कंपाइल करेगा इस फाइल को, जे एस में कन्वर्ट कर देगा। ओके अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर तो देखिएगा यहाँ पर, ओके अगर मैं डायरेक्टरी में आपको चेक कराऊँ यहाँ पर तो देखें हेलो डॉट जे एस की फाइल क्रिएट हो चुकी है, पहले यहाँ पर नहीं थी। अब एडिटर पे आऊँ तो अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो देखें हेलो डॉट जे एस की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है और जो कोड मेरा हेलो डॉट टी एस में था वो कन्वर्ट हो गया है हेलो डॉट जे एस में। ओके तो गाइज टाइप स्क्रिप्ट का इतना फाइल है वो कहाँ कॉपी होगा जे एस में। ओके तो अगर गाइज मैं इसको सेव करूँ और ओपन इन ब्राउज़र करूँ तो अब आपको ये कोड नज़र आएगा यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। ओके इसी तरीके से गाइज अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से अगर यहाँ पर मैं इनके कोई वैल्यू चेंज करूँ अपने टाइप स्क्रिप्ट पे, ओके लेट्स से मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड ही कर दूँ सिंपल, ठीक है। और गाइज अगर मैं सेव करूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करूँ तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। ओके तो अब अगर मैं गाइज यहाँ पर करूँ, यहाँ पर लिखूँ टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, ओके और हेलो डॉट टी एस, टी एस गाइज मस्ट है आपने लिखना, एक्सटेंशन जरूर लिखनी है, ठीक है। ओके तो गाइज अगर अब मैं आगे रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो अब आपको शो होगा हेलो वर्ल्ड। ओके ओके तो मीन के जब मैं उसको कंपाइल करूँगा तो ही उसने मीन के ये जो कोड था ये पेस्ट हो गया आपके जे एस पे। ओके इस तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपल नेम लिख दूँ टाइप स्क्रिप्ट, ओके टाइप स्क्रिप्ट, ओके सेव, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर हेलो डॉट टी एस, ओके ठीक है। तो अब देखें से ये क्या करेगा। ओके अब इसने वही ये जो कोड सारा का सारा प्रिंट करवा दिया हेलो डॉट जे एस पे, ठीक है। अगर अब मैं इसको ओपन करूँ और रिफ्रेश करूँ तो टाइप स्क्रिप्ट, ओके। तो गाइस एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि मैं जब भी यहाँ पर कोड राइट कर रहा हूँ मैं फिर बार बार यहाँ पर आता हूँ और फिर टाइप स्क्रिप्ट हेलो डॉट टी एस लिखता हूँ और फिर ये बार बार यानी कि ये फिर कन उसको कॉपी करता है, फिर मैं यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये तो काम ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाचिक मोड, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर हेलो डॉट टी एस आपने लगाना हाइफन डब्ल्यू, ठीक है। इनके आप वाचिक मोड स्टार्ट हो गया, वाच मोड ये इन वाचिक मोड, ठीक है। तो अब आप सिर्फ यहाँ पर क्या करें, सिंपल देखें, अब मुझे बार बार वहाँ जाके राइट नहीं करना पड़ेगा। लेट से मैं कहता हूँ कि हाउ आर यू, ठीक है। सेव करता हूँ तो देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर वो चेंजिंग आपको शो होगी, ठीक है। मीन के अगर यहाँ पर आऊँ और रिफ्रेश करूँ तो देखें हाउ आर यू, ठीक है। मुझे वहाँ जाके राइट नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो अगर फिर मैं यहाँ पर लिखूँ क्लिक, जैसे लेट से क्लिक मी कह देता हूँ मैं, सेव करूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें क्लिक मी, ओके। तो ये है गाइज वॉचिंग मोड, ओके। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।